उनके वैल्यूज, उनकी बातें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमारी ही है। और इसलिए वेस्टर्न जो स्कॉलर है वर्सल हुई, उसने इजिप्शियन मिस्ट्रीज किताब लिखी, उसने कहा कि इन एंशियंट बिफोर क्रिश्चियनिटी की सिविलाइजेशन को समझना है तो एकमात्र जीवित सिविलाइजेशन हिंदू सभ्यता के आधार पर समझ सकते हैं आप। सिमेट्री है, लेकिन वो इतिहास का नहीं है। नील नदी की खोज जिसने की जान स्पीकी है, और जान स्पीकी जब 1862 के अंदर विक्टोरिया जिला जिसको कहते हैं जब वहां पहुंचा, उसके बाद 1863 में उसने अपनी यात्रा की पुस्तक निकाली द जर्नल ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द सोर्स ऑफ द नाइल, और उसके अंदर वो लिखता है कि मैं यहां पहुंचा तो इसमें मेरे मित्र कर्नल विल्फ्रेड ने एक भारत से ऐसे भेजा था, उसने मेरी बड़ी सहायता की। और पुस्तक के पहले पृष्ठ के ऊपर एक मैप था जिस मैप पे लिखा था काली अथवा महाकृष्णा नदी का मार्ग हिंदू पुराणों के अनुसार, और वो कहता है कि मैं इसके इसने मेरे को बहुत सहायता की। और जिस समय वो वहां पहुंचता है तो वो कहता है कि यही हिंदू पुराणों में वर्णित अमर सरोवर है जहां से नील नदी का उद्गम होता है, और वहां जो सफेद पहाड़ थे वो कहता है यही हिंदू पुराणों में वर्णित चांदी की पहाड़ियां हैं। ये कोई मैंने नहीं कहा है, किसी आरएसएस वाले ने नहीं कहा है, ये जान स्पीकर ने लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं किसी भूगोल की पुस्तक में कभी पढ़ाते ये सारे कंबोडिया से लेकर यहां से वहां तक जो भारतीय संस्कृति का आरसी मुजुमदार ने जिसके बारे में है और लिखा, शब्द प्रयोग ठीक नहीं किया, मैं ठीक नहीं मानता उसको, हिंदू कॉलोनी करके उन्होंने लिखा, हिंदू ने कभी कॉलोनी नहीं बनाई, हिंदू ने हरेक को अपना घर समझा, जो जहां था उसको वहां से ऊपर उठाया। लेकिन कुल मिलाकर के आज प्रश्न ये है, तो मेरा कहने का भाव इतना ही है कि चाहे सोशलॉजी हो, चाहे ला हो, चाहे ला का भी विषय ले लीजिए, मैं कई बार कहता हूं कि भाई हम कहते हैं कि रूल ऑफ ला, सारे ला का मूल है रूल ऑफ ला। अब रूल ऑफ ला आया क्यों, परिस्थिति क्या थी, तो ब्रिटिशर्स ने लाए। ब्रिटिशर्स कहां से आए, तो ब्रिटेन के अंदर कोई स्थिर नहीं था, हजार साल पहले नॉर्मन लोग आए और टिक गए वहां और एक प्रचंड राजा हुआ, ये बाहर से आए हुए लोग थे, ये जम गए वहां पर। तो वो जो आए वो थे कुछ हजार जिन्होंने जीता नॉर्मन लोग, और वहां थे लाखों लोग जो रहते थे, तो वहां के जंगल, वहां की जमीन, वहां के उनके सारे रिसोर्सेज इसको अपने कब्जे में करना, तो इसके लिए उन्होंने कानून बनाए, और उन कानूनों से जैसे भारत में उन्होंने किया सारे जंगल सारी जमीन सब सरकार की, तो सारे लोकल संसाधनों को अपने कब्जे में लेने के लिए जो कानूनी प्रावधान किए गए उसका नाम है रूल ऑफ लॉ। और ये जो रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ चला उसके दो आधार है, एक है एविडेंस, एक है आर्ग्यूमेंट, सही गलत से कोई लेना देना नहीं है, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम आर्ग्यूमेंट अच्छा कर सकते हो, अच्छा पेमेंट दे सकते हो, हमेशा फैसले तुम्हारे पक्ष में आएंगे। हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं कहा गया, हर चीज के ऊपर नैतिक सत्ता बड़ी सत्ता है, और इसलिए रात के अंधेरे में भी गलती करने से रोकने वाली अगर कोई ताकत है तो वो ला नहीं है केवल, या दंड भय नहीं है, इसके परे कोई चीज है। तो ला के साथ एथिक्स का संबंध होगा कि नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कोई सा भी विद्या हो वो अमानवी शोषण करता, इस तरह की चीज हिंदुस्तान में अमान्य है। सबसे ऊपर जिसको धर्म शब्द कहा गया, तो मेरा कहने का ऐसा एक तात्पर्य है कि आज की जो बहुत सारी त्रासदियां हैं, इन त्रासदियों के मूल के अंदर ये बहुत सी धारणाएं, बहुत सी व्याख्याएं और बहुत से वैल्यू सिस्टम, आज इन सब के संदर्भ में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या दिल्ली में एक बार एक छोटी मीटिंग थी, अलग अलग तरह के लोग सब थे, कुछ बड़े जर्नलिस्ट थे, कुछ बिल्ड वगैरह के अध्यक्ष थे, कुछ वकील थे, कुछ नेता थे, कुछ पत्रकार थे जी। तो एक ने कहा कि हम चाहते तो हम बात तो बहुत सी आप ठीक कह रहे हैं, हम चाहते तो, लेकिन क्या करें, माहौल ऐसा है कि सब लिबरल लोग टूट पड़ते हैं ऊपर, तो कहने की हिम्मत नहीं होती है, कपड़े कम पहनना भी ज़्यादा पहनना, तो तुरंत चालू कर देंगे कि आप नैतिक पुलिसिंग करो,
तो बात तो ठीक है, लेकिन फिर क्या करें। तो मैंने कहा भाई मैं तो साधारण आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा समझता भी नहीं है, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ कि आप ही लोगों ने इन जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है। तो ह्यूमन हिस्ट्री में वो कहते हैं कि भाई आदमी शुरू नंगा ही रहता था, कुछ भी नहीं पहनता था, वो जो मन पड़े करता था। बाद में उसको लगा कि कुछ विकसित होना चाहिए, तो विकसित होना चाहिए। उसने सोचा ये ठीक नहीं भैया, ये नग्न रहना ठीक नहीं, तो कुछ पत्ते वत्ते लगाने चालू किए। और थोड़ा विकसित हुआ, बुद्धिमान हुआ, फिर उसने कुछ कपड़ा वपड़ा कुछ देखा, फिर धीरे धीरे और डेवलप हुआ, आज ढंग से रहता है। अब हमको तो ये बताया कि भाई सभ्य और विकसित होना मतलब ये यात्रा है। अब आज तुम समझा रहे हो कि ये निकालना ये विकास है, तो देख लो तुम। मेरा अपना मुझे कुछ नहीं कहना है, एज ए पर्सन मुझे कुछ नहीं कहना है। वो वैलेंटाइन डे का आता है, उनका आप क्यों नहीं करने देते हैं, क्यों आप पुलिसिंग करते हैं? ठीक है, कुछ अतिरेक कोई करता है तो गड़बड़ है, किसी ने मेरा पूछा कि इसमें क्या। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रेम तो इस प्रकृति का मूल है, उसके बिना तो दुनिया नहीं बनती है, प्रेम होना चाहिए, प्रेम सब कर सकते हैं। पर ये आदमी चूंकि थोड़ा समझदार हो गया तो उसके अंदर कुछ कुछ गुण कहते हैं लज्जा वगैरह, ऐसी कुछ चीजें डेवलप हो गई। पशु को कुछ नहीं थी, इसलिए वो बगीचे के अंदर खुले में दिन में रात में कहीं भी प्रदर्शन कर सकता है। मनुष्य को कहा कि नहीं करना, आपको लगता है कि वो आदर्श है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि सवाल क्या हो गया है कि दुर्भाग्य से इस देश की जो सबसे बड़ी त्रासदी है कि कोई बात सही है कि गलत है इसका निकट सही गलत की बजाय किसने कही है। आरएसएस की किसी आदमी ने कोई बात कही है तो कुछ लोगों के लिए वो गलत है ही, वो उसने बोला कि इनने खंडन चालू किया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये निकष ही गड़बड़ है। हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि सबसे बड़ी गड़बड़ है कि आदमी इस ढंग से सोचता है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, किसने कहा यह सवाल नहीं है। घोर साम्यवादी ने भी अगर कोई बात कही है और वो तर्क युक्त है और ठीक है तो स्वीकार है, और बड़े धर्माचार्य ने भी कही है और अगर वो उचित नहीं है तो अस्वीकार है। यही भारत की परंपरा रही है। हमारे एक बहुत पुराना श्लोक है, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं, उसमें उन्होंने कहा युक्ति युक्तम वचन ग्राह्यम बालादपि शुकादपि। अगर बात लॉजिक की है, उचित है, ठीक है, तो एक्सेप्ट करो, चाहे वह छोटे से अबोध बच्चे ने कही हो या तोता जिसको हम बोलते हैं उसने कही हो। और अगली लाइन कहते हैं युक्तिहीनम वचस्त्याज्यम वृद्धादपि शुकादपि। ये थोड़ा भिन्न शुक है यहाँ। तो वो कहता है कि अगर युक्तिहीन बात है वो चाहे किसी बड़े वृद्ध अनुभवी ने कही हो या साक्षात शुक महा मुनि जैसे मुनि ने कही हो, यही भारत की परंपरा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस परिदृश्य के अंदर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये जो सकारात्मक बातें हैं, इन सकारात्मक बातों के बारे में, समाज जीवन के बारे में, मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, उसकी आने वाली जनरेशंस को समझ के बारे में, ये जो बहुत सी धारणाएं हमारे इतिहास परंपरा दर्शन और इसके संदर्भ के अंदर अधूरे अध्ययन के आधार पर फैला दी गई है और वो इतनी हावी हो गई है, उसको एक तोड़ने का और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का एक गुरुतर दायित्व, और ये मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक वर्ग के ऊपर है। भगवान हम सबको सामर्थ्य और प्रेरणा दे कि भारत की इस प्रज्ञा को हम जगाएं, और एक बार ये प्रज्ञा जाग गई तो दुनिया की कोई ताकत हमारे प्रगति को, उन्नति को, भारत को विश्व गुरु से रोक नहीं सकती। उसका एक अंतिम प्रसंग क्योंकि शिक्षक से संबंधित कहते मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। शिक्षकों के एक आदर्श चाणक्य रहे, और हम जानते हैं कि चाणक्य केवल थ्योरेटिकल थ्योरी पढ़ाने वाले आदमी नहीं थे, वो थ्योरी का भी जानकार था। उसका अर्थशास्त्र आज तक न जाने कितने भाष्य लोगों ने किए और आगे करते रहेंगे, लेकिन उस चाणक्य ने जो लिखा है उसके आधार पर उसने एक साम्राज्य खड़ा किया, नेता खड़ा किया। तो एक प्रसंग उसमें आता है, और वह ऐसा आदमी था कि जिसने सब कुछ खड़ा किया शून्य से, और जब सब कुछ हो गया तो
तो उतने ही उससे वो दूर होकर के फिर पढ़ाने के लिए चला गया। तो प्रसंग मुद्रा राक्षस का है कि जब चंद्रगुप्त सम्राट बन गया तो चाणक्य ने कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन मेरे जाने के बाद भी कोई अस्थिरता ना आए, कोई परेशानी ना आए, इसलिए एक सक्षम महाआमात्य की आवश्यकता है। और गुणग्राही था चाणक्य, इतना कुटिल कूटनीति करने वाला आदमी भी, लेकिन उपयुक्त कौन है? तो नंद के प्रति अंधश्रद्धा के साथ जो आदमी था राक्षस, लेकिन उसकी बुद्धि, उसका कौशल्य, उस सब के संदर्भ में चाणक्य को यह था कि यही एकमात्र व्यक्ति है जो सक्षम हो सकता है। तो नंद भक्त होने के कारण वो चंद्रगुप्त के विरोध में, तो इसको चंद्रगुप्त के पक्ष में लाकर इसको महामात्य बनाना, तो उसमें बहुत सी जो रणनीतियां चली। उसमें एक प्रसंग आता है कि एक शकटदास करके रहता है उसका महामात्य जो था राक्षस, इसका मित्र उसको गिरफ्तार करवाता है, एक नाटक करता है वो गिरफ्तार करवाता है। तो एक दिन वो आकर के है और उसका जो एक दूत है शांगरव नाम का, तो वो आकर के चाणक्य को कहता है कि ब्रह्मन बहुत दुर्घटना हो गई। बोले क्या हो गई? तो बोले कि वो शकटदास को लेकर के वो भाग गया है, एक विद्रोह करके दुश्मन के खेमे में मिल गया। तो बोले कि अच्छा उसको भागु नारायण को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि वो भागु नारायण भी भाग गया। तो फिर वो एक एक नाम लेता है कि वो डिंडी रथ को बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, 8-10 नाम कहता है। तो थोड़ी देर बाद आकर कर कहता है कि ऐसा लगता है कि वज्रपात हो गया है राज्य के ऊपर, ये सारे के सारे लोग ये अपना पक्ष छोड़कर दुश्मन के खेमे से जाकर के मिल रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि सब कुछ ब्रेक हो गया है। तो वहां जो चाणक्य बोलता है उसके दो श्लोक मुद्रा राक्षस में है। तो वो कहता है कि ये आता किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वगता पूर्वगता ये बते, यानी जिनके मन में पहली ढुलढुल था कुछ ना कुछ, इधर रहे कि इधर रहे, यहाँ जाए कि वहां जाए, इसी व्यक्ति परेशानी वो देवताओं के साथ ज्यादा रहती है। हमारे वर्णन करते हैं कि देवता बड़े मजेदार लोग थे, कई बार